दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMD न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में गुरुवार को कोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराते हुए 5 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जहां से उन्हें सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। सलमान की जमानत याचिका पर जोधपुर की सेशन कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई में जज रविंद्र कुमार जैन ने कहा कि रिकॉर्ड देखने के बाद ही इस मामले में सुनवाई होगी। 20 साल पहले कांकाणी गांव में उस रात क्या हुआ था, ये बात वहां मौजूद चश्मदीद ने पूरी बात मीडिया को बताई। चश्मदीद छोगाराम बिश्नोई के मुताबिक 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात गुरुवार की रात में एक सफेद रंग की गाड़ी जंगल में लगातार घूम रही थी, जिसकी आवाज सुनकर पूनमचंद की नींद खुली और उसने आकर उन्हें उठाया था। अपने घर से कुछ ही कदम की दूरी पर उनके खेत में उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे उनका शक यकीन में बदल गया कि शिकारियों ने हिरण को मार दिया है। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ शहरी लोग थे, जिनके साथ कुछ लड़कियां भी थीं। उनमें से एक लड़की सलमान से बोल रही थी, सलमान गोली मारो। छोगाराम और पूनमचंद ने गांव वालों को उठाया और फिर वे सभी खेत में पहुंचे। उन सब को देखकर वो दोनों हिरण को वहीं छोड़ गाड़ी तेज स्पीड में निकल गई। गांव वालों ने उस गाड़ी का पीछा किया और तुरंत पहचान लिया है कि वे सलमान हैं, जिसके बाद गांव के लोगों ने FIR दर्ज कराई थी और फिर तब से आज तक ये केस चल रहा है, जिसमें सैफ, तब्बू और सोनाली को बरी कर दिया और सलमान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई। ये केस सबसे पुख्ता था क्योंकि 1 अक्टूबर 1998 की रात जब सलमान और उनके साथियों ने जोधपुर के पास कांकाणी गांव में संरक्षित वन्य प्राणी 2 काले हिरणों का शिकार किया था। गांव वालों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था। इनमें से कई लोगों ने उन्हें मौके पर देखा था और हिरणों के शव भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिए थे। इस मामले में सलमान गोली चलाने के आरोपी बनाए गए। शिकार से जुड़े बाकी के दोनों केस में इकलौता चश्मदीद हरीश दुलानी था, उसने भी बयान बदल लिए थे। उसने सलमान के अलावा दूसरे कलाकारों को पहचानने से इनकार कर दिया था। दूसरा कमजोर पक्ष ये भी था कि उसमें हिरणों के शव नहीं मिले थे। कांकाणी केस में पहली रिपोर्ट डॉक्टर नेपालिया की थी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एक हिरण की मौत दम घुटने से और दूसरे हिरण की मौत गड्ढे में गिर जाने और श्वानों के खाने से हुई थी। अभियोजन पक्ष का कहना था कि ये रिपोर्ट सही नहीं थी क्योंकि इसमें गन इंजरी की बात नहीं थी। इसके बाद मेडिकल बोर्ड बैठाया गया। बोर्ड ने दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों काले हिरणों की मौत की वजह गन शॉट इंजरी ही बताई। सलमान पर आर्म्स एक्ट में कुल 4 केस थे, 3 हिरणों के शिकार के और 4था आर्म्स एक्ट का। दरअसल तब सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थी, जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी। सलमान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27 से 28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान और उनके साथियों ने 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर के पास कांकाणी गाँव में 2 काले हिरणों के शिकार का आरोप था। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।